जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन में। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो। कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस काइंड? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर। कि यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं जब एक्चुअल में वो हो रहा होगा, या बिल्कुल वैसे ही होते हैं? इसको ध्यान से समझ लेना कि अगर एक्चुअल में भी आप किसी नदी में गिर जाओगे और कोई मगरमच्छ आपको खाने के लिए आएगा, तब भी वैसे ही रिएक्शंस हो रहे होंगे, तब भी डर लग रहा होगा, तब भी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, तब भी पसीने आ जाएंगे। सपने में कई बार ऐसा होता है, सपने में से एकदम से उठते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती है। तो अगर कुछ ऐसा है जो रियलिटी नहीं है और आपने मान लिया है और उसके बारे में सोच रहे हो, तो क्या होगा? ब्रेन अपना काम करती रहेगी। तो अब आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो बड़ा सिंपल है, परमानेंट सॉल्यूशन। जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये सच है, क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। जो लग रहा है वो सपना है और जो एक्चुअल में है वो सच है। जैसे सपने में अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो उस गड़बड़ से बचने का क्या तरीका है? जाग जाओ। जागने का मतलब क्या? जागना हम किसे कहते हैं? हाँ, मतलब ये समझ लो कि जो भी अंदर था, मैं रो रहा था, रो रही थी, पसीने आ रहे थे, सब सपना था, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा, एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाते हैं? बस इतनी सी देर लगती है माइंड को रिलैक्स करने में, माइंड को पीसफुल करने में। और ये काम आपके लिए कोई और नहीं कर सकता है, खुद करना होगा। अपने आप से पूछो कि क्या ये मुझे लग रहा है या सच में ये हो रहा है, क्या सच में मैं बर्बाद हो गया हूं या मुझे लग रहा है। अब इसके बीच के फर्क को कैसे आप पता करोगे? देखो, जो भी सिचुएशन ऐसी है जो अगर 10 अलग अलग लोगों के साथ होती है और सबके सेम रिएक्शन होते हैं, तो वो रियलिटी है, वो आपको लग नहीं रहा है, वो एक्चुअल में हो रहा है। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप कह रहे हो कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन 10 अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं वहां पर सेम उसी सिचुएशन में, तो समझ जाओ वो आपका वहम है, अपने वहम की वजह से आप परेशान हो रहे हो। ये बात आई समझ में? जैसे आग लगी हुई है कहीं पर और आग में जाकर के 10 लोग छलांग मारेंगे, तो 10 के 10 चीखेंगे या नहीं चीखेंगे? 10 के 10 की बॉडी जलेगी या नहीं जलेगी? हर एक के ऊपर सेम असर होगा। दैट मींस कि वो रियलिटी है, और अगर अलग अलग रिएक्शन हो रहा है तो इल्यूजन्स है। तो अब इल्यूजन से बाहर आने का क्या तरीका है? मैं आकर के आपको बोलूं कि नहीं, ये इल्यूजन्स है, क्या बर्बाद नहीं हुए हो, आप क्या कहोगे? आपको पता नहीं है मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मजाक मत उड़ाओ मेरी सिचुएशन का। तो आप क्या कर रहे हो? अपनी इल्यूजन्स को और पक्का कर रहे हो। जितना पक्का कर रहे हो आप, उतना और फंस रहे हो। करना क्या है? अपने अंदर ही अंदर बोल, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी ने छोड़ा और वो तो आबाद हो गए, बर्बाद नहीं हुए। उसी लड़की ने औरों को भी छोड़ा, कह रहे अच्छा बच गया, ये बंदा ऐवें सेंटी हुआ पड़ा है, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया का मतलब क्या? क्या मेरे दोनों हाथ पैर कट गए हैं? फिर अगर आप बोलो कि मैं बर्बाद हो गया, मेक सेंस, क्योंकि अब आप पूरी लाइफ के लिए किसी और पे डिपेंड हो गए, खुद खा तक नहीं सकते हो, वो भी आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, सब लग जाते हैं हाथ पैर भी। तो करना क्या है? अपने ही बिलीव्स पे क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाना। द मोमेंट यू डू दैट, तो आपको एकदम से अंदर से रियलाइज होता है। अब ये अंदर से रियलाइजेशन कब होगा? जब आपका दिमाग खुला हुआ है। दिमाग बंद है तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी भूत की वजह से आप डर रहे हो, कोई ताबीज पहना हुआ है, कहीं पर घर के अंदर कोई हवन हो रहा है, वहां पर कई तरह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है और आपकी फैमिली को ये लग रहा है कि किसी ने कुछ कर दिया है। अब अगर इस बात को आप सच मानते हो, तो आप कुछ भी कर लो, बचने का कोई तरीका नहीं है।
अभी एक एक्सपेरिमेंट करें यहाँ पे प्रैक्टिकली. मैं बताता हूँ कैसे. आप में से कितने हैं जो ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों को मानते हैं? झूठ मत बोलना, हाथ ऊपर कर दो. ठीक है, मानते हो? हाँ हाँ, धीरे धीरे वो हाथ ऊपर आ रहे हैं, डरो मत. ठीक है, तो 15-20 लोग ऐसे हैं जो मानते हैं. कितने ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं? कितने ऐसे जो बीच में अटके हुए हैं? ऐसे भी होते हैं. हाँ, ये आई ना सच्चाई. हाँ, हो भी सकते हैं. नहीं, बचपन में ना हमने वो किया था, वो गेम खेला था, एनी होली स्पिरिट पासिंग बाय प्लीज कम, और वो आ गई थी. उससे हम जो जो पूछ रहे थे वो बता रही थी. इसका मतलब आत्मा है. अब जिसने कहा कि भूत नहीं होते हैं और दे स्ट्रांगली बिलीव, एज स्ट्रांगली एज के बिल्कुल 100%, नॉट 90%, नॉट 99%, 100% नहीं होता. टोना टूट गई हो, कर दे जो तेरे अंदर दम है, आकर मैं यही खड़ा हूं. ऐसे ऐसे बंदा हो कोई? ऐसे बहुत कम होंगे वैसे. ऐसे कितने हैं? हाथ ऊपर करो. हाँ, अब देखो क्या होगा. अब मानो एक खोपड़ी यहां पर हो मेरे हाथ में, और उसके अंदर से मैं ऐसे हाथ डालू और उसमें से खून निकल करके आए, और कुछ मंत्र पढ़ू और ले करके आपके मुंह पे फेंक दू. अब तू नहीं बचेगा बेटा. तो जो 100% वाले थे, और अगर एक्चुअल में 100% वाले थे, वो हंसेंगे. कुछ और है तेरे पास? ये तेरे को फेंकना ही था तो खून फेंकता नहीं, सॉस क्यों फेंक? भाई समोसे तो देते साथ में. वो तो बंदा मजे ले रहा होगा यहां पर. और दूसरी तरफ से खोपड़ी में से खून निकालू और ले करके ऐसे किसी बंदे पे फेंक दू जिसको डाउट है, या तो, या फिर जो मानता है कि है, और उसको ले करके उसको ले बेटा, हो गया तेरा काम. क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा. 2-4 ऐसे 100% होंगे जिनका सर हिलने लग जाएगा. और अब बाकी के बंदे जो डाउट में थे उनकी और हवा टाइट हो जाएगी. अबे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया. और जिसने चमत्कार देखा बाकी लोगों सबकी हवा टाइट, समझे, उनकी सबकी वॉट लग जाएगी. अब मैं उनसे जो चाहे वो करवा सकता हूं. उनके अंदर ऐसा डर आएगा, नहीं नहीं मुझ पे नहीं, कुर्सी के नीचे घुस जाओगे आप लोग, मेरे ऊपर छींटा नहीं आना चाहिए कि मेरे साथ भी ये ना हो जाए. शनिवार का दिन है. आ रही है बात समझ में? तो हमारी जो ब्रेन है वो रियलिटी में और इल्यूजन में फर्क नहीं कर सकती. इसको अगर फर्क करना है, ब्रेन नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? हमें ही करना होगा जी. छोटी छोटी चीजों की वजह से, चिंदी चीजों की वजह से परेशान होते हो, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो ना. ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा. अबे क्या हो जाएगा? सोचा है? छोटी छोटी चीजें, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये हो गया वो हो गया, मेरे से गलती हो गई. क्या गलती हो गई? सोच रहे हो इस दुनिया में लोगों से क्या क्या गलती किस किस लेवल की हो रही है? कहाँ है आपके वो गलती का लेवल? क्या है ऑन अ स्केल ऑफ 0 to आप ले 1 crore तक, आपका स्केल कहाँ है गलती का? अपनी गलत फहमियों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं. इफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन, तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है. इल्यूजन क्या है? ऐसे बहुत लोग हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे, मतलब उनके पास 1000 crore रुपए थे, उसमें से क्या हुआ, बैंकक्रप्ट हो गए. बैंकक्रप्ट होने के बाद भी उनके अकाउंट में 10-20 crore रुपए पड़े हुए थे, और क्या किया उन्होंने, सुसाइड कर लिया. मैं बर्बाद हो गया. सोचो आपके अकाउंट में 10 crore पड़े हो, बर्बाद हो गए. तो ये क्या रियलिटी थी या इल्यूजन था? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया. अबे अगर जिसके अकाउंट में 10 crore रुपए है वो लुट गया, तो जिसके अकाउंट में कुछ नहीं है उसका क्या? लेकिन वो नहीं मरते. वो क्या करते हैं, इधर उधर से पैसा उठाते हैं और चैन से सोते हैं. जिससे लेते हैं उसकी नींद उड़ती है. देखा ऐसे ऐसे लोगों को? मुझे ऐसी नजर से मत देखो. किसी ने छोड़ दिया तो हम रो रहे हैं उसकी वजह से, उसने मुझे छोड़ दिया. आप क्यों रो रहे हो? क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है? हाँ मुझे उससे बेटर कोई नहीं मिल सकती है. आप इतने गए गुजरे हो, मतलब अगर इतने गए गुजरे हो तो उस लड़की की जगह मैं होता तो मैं भी आपको छोड़ देता. देयर इज नो रीजन टू बी सैड इन दिस वर्ल्ड.
जैसे जैसे आप ये जो सच है, रियलिटी है, उसकी लेयर्स को अनफोल्ड करते हो, इतना मजा आता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। लोग जिन चिंदी चीजों की वजह से रोते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो सब आपके लिए खेल के जैसा होता है। आप अपने अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स की वजह से दुखी हो रहे थे, जैसे ही रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो वहां पर आदमी को हंसी आती है, औरत को भी। कहीं औरतें मोर्चा निकाल दें बाहर, विमेन एम्पावरमेंट, ये आप क्या आदमी आदमी बोलते रहते हो, औरतों का नहीं। हाँ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।